ले चलते आपको माउंट आबू की खबर की ओर, जहां पर राजस्थान की बिगड़ती हुई हालत दिखाई दे रही है सामने। पत्रकार सुनील आचार्य पर हुआ हमला, ना आरटीआई एक्टिविस्ट सुरक्षित, ना ही पत्रकारों की सुरक्षा। भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कार्य करने वाली पोल खोलने वाले हर व्यक्ति की जान पर खतरा। शासन और प्रशासन कानून का राज कायम करने में हो रही विफल साबित। प्रदेश में गुंडा राज हो रहा है अभी। खुद को गांधीवादी बताने वाले गहलोत के राज में पनप रहा है गुंडावा। दारियों से हमारा 7 से 8 आदमी थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनता के पैसे खाए, लोगों के साथ किया। आज भी खुले हम बाजार में घूम रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से बॉबी उर्फ राकेश, उसका भाई रिंकू अग्रवाल, उसके साथ 7-8 आदमी जो खुले आम मेन नक्की लेक के ऊपर जहाँ पे परिक्रमा पथ है उसके ऊपर आज जानलेवा हमला किया। मैं आबू की जनता से सिर्फ इतना कहता हूँ, आज मेरे साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। गुंडागर्दी गांव में नहीं होनी चाहिए। आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे साथ हो तो आबू बंद का आह्वान करो। जब तक गुंडे पकड़े नहीं जाएंगे और इनको सजा नहीं मिलेगी और ऐसे लोगों को माउंट आबू से नहीं निकालोगे, आबू का भला नहीं हो सकता। मैं तो हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ। दिसंबर 2021 को श्री सुनील आचार्य निवासी माझगांव माउंट आबू ने एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नक्की झील के किनारे उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसमें वो गंभीर घायल हो गए, जिस पर मुकदमा संख्या 108/21 दर्ज किया जाकर प्रकरण में अनुसंधान शुरू किया गया। जो आरोपी है राकेश अग्रवाल उर्फ बॉबी तथा रामनिवास मेघवाल उर्फ रामा, दोनों को देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान अभी जारी है तथा अन्य आरोपी के संबंध में अभी पूछताछ